हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, अ यू ट्यूब कंटेनिंग वाटर एंड मिथिलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मरकरी। ठीक है, द मरकरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन लेवल विथ 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन वन आर्म एंड 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन द अदर। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो यहाँ पे कह रहा है, ये जो आपको मैंने डायग्राम कॉपी पेस्ट कर दिया गूगल से, यहाँ पे जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये यहाँ तक, ये वाला, ये और ये, यहाँ तक मरकरी कॉलम बराबर है। तो अब ये दोनों का हाइट सेम है, और आपको पता है पास्कल लॉ से सेम हाइट पर या सेम पॉइंट पर जो प्रेशर है वो सेम होता है। कहने का मतलब ये 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कॉलम, सपोज ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पर जितना प्रेशर डाल रहा है उतना ही प्रेशर ये 12.5 सेंटीमीटर का स्पिरिट का कॉलम इस पॉइंट बी पर डाल रहा है। मतलब प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। ये अपने को पहली चीज मिल गई। ठीक है, अब क्या होता है प्रेशर का फॉर्मूला, एच रो जी। ठीक है, ये हाइट h1 मान लो वाटर की, इसकी हाइट h2 मान लो, वाटर की डेंसिटी रो वन और इसकी डेंसिटी रो टू मान लो। ठीक, तो आप लगा दो h1 रो वन जी इज इक्वल टू h2 रो टू जी। जी जी कैंसिल, ये कितना है h1 10 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों साइड अपन ने इक्वेट किया है, और क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है तो हाइट कट जाएगी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तब भी आंसर उतना ही आएगा, तो कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे सब्सटेंस क्या दिया, स्पिरिट, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट जो अपने रूट टू माना है। ठीक है, इसकी स्पिरिट को रूट टू माना है। तो 10 × ρ1 बराबर H2 कितना है 12.5 × ρ2। अपने को ρ2 / ρ1 निकालना है, तो आ गया 10 / 12.5 इज इक्वल टू ρ2 / ρ1, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। को सॉल्व करो, इसका डेसिमल हटेगा, अपॉन 10 आएगा, 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये बराबर हो गया 100 / 125। 25 से काटो, 25 4 25 5 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
स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म ऑफ द ट्यूब, व्हाट इज डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्करी इन द टू आर्म्स। इसका भी डायग्राम मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब मुझे पता है साफ साफ कि वाटर की डेंसिटी स्पिरिट से अल्कोहल से ज्यादा है। अब मैंने दोनों आर्म में 15 सेंटीमीटर ऐड कर दिया। देखो यहाँ पे, पहले वाटर कितना हाइट था, 10 सेंटीमीटर, 15 ऐड किया तो नई हाइट कितनी हो गई, 25। सिमिलरली स्पिरिट कितना था, 12.5, 15 ऐड किया तो नई हाइट हो गई 27.5। अब देखो, अब ध्यान देना, जब वाटर की हाइट 10 सेंटीमीटर थी, ठीक, और मरकरी की, सॉरी स्पिरिट की हाइट कितनी थी, 12.5, तब जो आपका मरकरी का लेवल था वो बैलेंस था, दोनों साइड प्रेशर बराबर था। लेकिन अब आपने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड किया और इक्वल हाइट ऑफ स्पिरिट भी आपने ऐड किया, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, यहाँ पे ए पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये डिप्रेस होगा, तो मरकरी आपकी इस तरफ उठ जाएगी। तो अब देखो क्या होगा, ये यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ए है जहां पर 25 सेंटीमीटर हाइट का आपका जो वाटर है वो लगा रहा है, क्या बोलते हैं, प्रेशर लगा रहा है पॉइंट ए पर। सिमिलरली अब यहाँ पॉइंट बी तक ये मरकरी है और मरकरी कुछ राइज हो गई, मुझे ये राइज कितना हुआ ये निकालना है। ठीक, तो अब पॉइंट ए पर कितना प्रेशर आएगा, मान लो ये हाइट है उसका प्रेशर, मान लो इस मरकरी की हाइट को एच एम माना जितना राइज किया है और स्पिरिट की हाइट को एच टू मान लो। तो ये जो पूरा प्रेशर है, तो ये ए और बी पॉइंट सेम हाइट पर है तो यहाँ प्रेशर बराबर है, यहाँ प्रेशर केवल पानी लगा रहा है और इतनी हाइट पर प्रेशर कौन लगा रहा है, मरकरी प्लस स्पिरिट। तो आपका आ जाएगा एच वन रो जी, प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। एच वन वाटर डेंसिटी मैंने मान ली रो वन जी, अब प्रेशर एट पॉइंट बी, यहाँ पर दो लिक्विड है कौन कौन से, एक है मरकरी का स्पिरिट, मरकरी की हाइट कितनी है एच एन, डेंसिटी रो एम जी, प्लस स्पिरिट की हाइट कितनी है एच टू, स्पिरिट की डेंसिटी रो टू जी, एच वन रो वन जी माइनस एच टू रो टू जी बराबर एच एम रो एम जी। एक जी कॉमन आएगा, जी कॉमन आ गया, बचा एच वन रो वन माइनस यहाँ क्या बचा एच टू रो टू बराबर एच एम रो एम जी, जी और जी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है जी, आपको साफ साफ।
अब ध्यान दो यहाँ पे ना डेंसिटी को केजी पर मीटर क्यूब में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप स्पेसिफिक डेंसिटी भी लिख सकते हो। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है, 1। हाइट कितना है 25, तो 25 इंटू 1 1 आएगा, माइनस ये कितना है 27.5 मल्टीप्लाइड बाय, अभी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आया था 4/5 या 0.8, तो ये आ गया 4/5, ये कितना आ गया इज इक्वल टू एच एम इंटू, कितना स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी का 13.6। यहाँ पे अगर आप 1000 में कन्वर्ट भी करते सबके आंसर होते, आंसर सेम आता। अब देखो 5 से काटूंगा, 5 1 जा, तो 5 5 जा 25, और 2 और 5 5 5 जा 25, 4 5 जा 20, 0 का 2 4 5 22, तो 25 माइनस 22 बचा 3, ये आया 3/13.6 इज इक्वल टू एच एम, एच एम हो जाएगा ऊपर के डेसिमल 30/136 करो, 136 और 30 को डिवाइड, डेसिमल से 0, 136 टू जा समथिंग आएगा, तो आएगा 1 सॉरी 272, हो गया 0.2 पे छोड़ दो, कितना डिफरेंस आया 0.2 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में लिया था, आपने मीटर में कन्वर्ट नहीं किया था। आई होप इट इज क्लियर टू यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।